हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, मैनेजमेंट के लेवल्स से मतलब क्या है। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऊपर से लेके नीचे तक के ऑफिसर्स भरे पड़े। इन ऑफिसर्स को या मैनेजर्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज नंबर वन टॉप लेवल मैनेजर्स, नंबर टू मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड नंबर थ्री लोअर लेवल मैनेजर्स और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजर्स। क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट वाले मैनेजर है, क्यों काम को इंप्लीमेंट करवा के लेना इनका ही सबसे बड़ा मकसद है। अब टॉप लेवल मैनेजर्स जैसे किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओस एंड सीएफओस, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, सबका नाम सुना होगा बहुत सारी फिल्मों में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सबके बारे में सुनते ही रहते हैं। देन मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन है, मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल मैनेजर्स के और लोअर लेवल मैनेजर्स का लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं और इनके काम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उन तक पहुंचना चाहिए सही तरीके से। ये करवाने का सारा दारोमदार, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिडिल लेवल मैनेजर्स लेते हैं। ये कौन है, इनके नाम भी आपने सुने होंगे, रीजनल मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, एचआर मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स, रीजनल मैनेजर्स, जोनल मैनेजर्स एंड मेनी मोर। ये वो मैनेजर्स हैं जो ना टॉप लेवल हैं ना लोअर लेवल हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक है। ठीक, लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन है, लोअर लेवल मैनेजर्स जैसे सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर्स, क्लर्क्स, फॉरमेंस और सेल्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स। सेल्स एग्जीक्यूटिव आपने सुना होगा, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव आपने सुना होगा। ये जो लोअर लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं ये अपना काम करके लेते हैं। तो तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका फंक्शन, वॉट आर द फंक्शंस ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। सबसे पहले आते हैं टॉप लेवल के मैनेजर्स। टॉप लेवल के मैनेजर्स चार मेजर एक्टिविटीज करते हैं। नंबर वन, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बनाते हैं, हमारा फॉर्म, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाला है, इसका सारा प्लानिंग यहीं पर होता है, ये ब्रेन है, ब्रेन। दूसरा, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, वर्कर्स, फोरमैन, स्टाफ, लेबरर्स, सब काम करके लें, ये इनकी जिम्मेदारी है। क्या ये काम करेंगे, नहीं, ये कोऑर्डिनेट करेंगे सारे मैनेजर्स के बीच में और सारे वर्कर्स के बीच में, ताकि काम बहुत स्मूथली होता है। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी काम कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजर्स पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। अगर एग्जाम्पल है, आपके घर में कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप उनके गार्डियंस हैं। ऐसे ही टॉप लेवल मैनेजर्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गार्डियंस हैं। लोअर लेवल, मिडिल लेवल या वर्कर्स कोई भी काम करे, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेकर रखना होगा। एंड लास्ट, ये वेलफेयर करेंगे। नेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा इंश्योरमेंट करें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल लेवल मैनेजर्स, ये क्या है, ये लिंक है टॉप लेवल मैनेजर्स के और लोअर लेवल मैनेजर्स के। ये क्या करेंगे, ये टॉप लेवल मैनेजर्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उस पॉलिसीज को ये लोग फ्रेम करेंगे। जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजर्स बनाएंगे, यहाँ टीएलएम का मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स, जितनी भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजर्स बनाएंगे उन सारे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनेल, ध्यान रखना क्या ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करने के लिए चाहिए उतने लोग हैं, ज्यादा ना हो कम ना हो, जितनी जरूरत है उतने हो। क्यों, ज्यादा होंगे ओवर स्टाफिंग होगा, आपके लॉसेस होंगे, कम होंगे काम देरी से होगा, फिर भी आपके लॉसेस होंगे। इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजर हमेशा ध्यान रखते हैं कि पर्सोनेल अवेलेबल है कि नहीं, पर्सोनेल मतलब ह्यूमन रिसोर्स। द नेक्स्ट, असाइनिंग ड्यूटीज, सबको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके नीचे वालों को ये मिडिल लेवल मैनेजर्स ही देते हैं। एंड लास्ट, मोटिवेट एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखने का काम मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही है। इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजर हमेशा इंश्योर करें
कि सारी ड्यूटीज असाइन सही तरीके से की हुई हो और सारे एम्प्लॉयज को समय समय पर मोटिवेट करें, कभी भी उनको डराए धमकाए नहीं कि काम बुराई होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मोटिवेट करो, लगना चाहिए अपना घर है। लास्ट लोअर लेवल मैनेजर्स, ये वो लेवल के मैनेजर्स हैं जिनका पहुंच एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ है, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, क्या आपका वर्कफोर्स काम कर रहा है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वर्कफोर्स से काम करवा लेना लोअर लेवल मैनेजर का हिस्सा है। देन ये एक्चुअल वर्कफोर्स सब इंटरेक्ट करते हैं, ये उनसे डेली मिलते हैं, डेली बेसिस से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, काम का प्रोग्रेस कहां तक है सब उनसे बातें कर रहे हैं, तो ये सारा चीज लोअर लेवल मैनेजर देखते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब मिनिमम वेस्टेजेस मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम नुकसान करना और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेकर आना, रिजल्ट लेकर आना, प्रोडक्टिविटी करना, ये लोअर लेवल मैनेजर का काम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेनिंग क्वालिटी बाय इंश्योरिंग हार्ड वर्क लॉयलिटी डिसिप्लिन। क्वालिटी काम होना चाहिए तीन चीजें इंश्योर करके, डिसिप्लिन, लॉयलिटी और हार्ड वर्क, ये तीनों काम टॉप लेवल मैनेजर या लोअर लेवल मैनेजर नहीं करा सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग हैं, इन लोगों को काम करवा कर लेना लोअर लेवल मैनेजर का ही काम है, ये काम टॉप लेवल मैनेजर या मिडिल लेवल मैनेजर नहीं कर सकते हैं, वो कभी करने आएंगे भी नहीं, क्यों, उनके काम बड़े बड़े हैं, वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे, ये मत समझना कि इस बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ये लोग करते हैं और लेबर्स करते हैं। तो वर्कर्स का डिसिप्लिन, लॉयलिटी और हार्ड वर्क इंश्योर करके लेना लोअर लेवल मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रहे फंक्शंस के बेसिस पे हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। आज के लिए इतना ही, एग्जाम में केस स्टडी आता है कि कौन सा काम कौन से मैनेजर्स कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखना, केस स्टडी आगे शेयर करता रहूंगा, डोंट वरी, एंड वी विल बी मीटिंग विद मोर टॉपिक्स इन फ्यूचर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।